2.5 शुरू करने के पहले हम रेशनल नंबर की कंपैरिजन के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, सारे पॉजिटिव नंबर जो जीरो के साइड हैं वो ग्रेटर हैं। एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो, और सारे नेगेटिव नंबर जो जीरो के लेफ्ट साइड हैं यानी जीरो के राइट साइड पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव हैं। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर, यानी सारे नेगेटिव नंबर से एक पॉजिटिव नंबर बड़े हैं, और इस नेगेटिव नंबर से बड़ा जीरो है और जीरो से बड़ा ये पॉजिटिव नंबर्स है। इस टर्म्स को, इस रूल्स को हमें याद रखना होगा। ये 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट, हमको नंबर लाइन बनाना है और उसके ऊपर इनको रिप्रेजेंट करना है। देखिए इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3 और ये 5। वन टू थ्री इनके ऊपर जो न्यूमरेटर हैं वो छोटे हैं और डिनोमिनेटर बड़े हैं, जबकि देखिए 4th, 5th, 6th, 7th और 8th इनमें न्यूमरेटर बड़े हैं। तो मैं एक इससे बता देता हूँ और एक इससे आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम एक ऐसा लाइन बनाएंगे और इसमें एक पॉइंट ओ या ज़ीरो बना लेंगे, हम इसको ओ बोल सकते हैं, ज़ीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर क्या है हमारा, 2/5, ये हमको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सेम डायरेक्शन में दोनों तरफ एक एक निशान लगा लेंगे, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका ए डैश। अब आप इसको -1 लेंगे और इसको +1 लेंगे, ये डिजिट प्लस में है यानी हमको इस साइड जाना है। अब इस ओ ए के हम 5 पार्ट्स करेंगे, सेम हम स्केल से मेज़र करके इसके 5 पार्ट्स कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए। इस टाइप से आप इसके 5 पार्ट्स करेंगे, 2/5, 5 में से 2 यानी यहाँ ए आपका रिप्रेजेंट हो गया 2/5, ठीक है। इस टाइप से आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। यदि ये माइनस में होता तो हम इस साइड्स को करते। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये माइनस में है, हमको 8 पार्ट्स कर लेने हैं इसके और उसमें से 3 पार्ट्स पर, लेकिन ये करेंगे हम नेगेटिव इस साइड की ओर, ठीक है। इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी करके देख लेते हैं। देखिए डी में क्या लिखा हुआ है, 13/3, इसको डिवाइड कर लीजिए, 13 / 3, 3 × 4 = 12, 1, तो क्या हो गया, 1, 4, 1, 3, ये इस टाइप से आ गया। अब आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है इसलिए हमको इसमें पॉजिटिव साइड में लेना है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ओ बना लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, और देखिए इसमें 4 कंप्लीट है इसलिए 1, 2, 3, 4 और लंबा कीजिए इसको, वही 5, ठीक है। इस साइड क्योंकि मैंने लेफ़्ट साइड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है और इसको हम ए बोल लेते हैं। देखिए इसके पार्ट हो गए, यहाँ पर ए वाला पार्ट हो गया, 5 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इधर तक है, ठीक है। इसको 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए, इसको 4 बोलिए, इसको 5 बोलिए। अभी इसमें क्या है, 4 होल है यानी कंप्लीट है, तो हम राइट साइड 1, 2, 3, 4 यहाँ पहुँच जाएंगे पहले। इसके बाद 1/3 पार्ट है यानी इसके हम 3 पार्ट्स करेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। तो 4 के बाद ये 1/3 है, तो ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3 यानी 5, तो ये वाला पार्ट्स 1/3 यानी 4 1/3 इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसी को आप 13/3 बोल सकते हैं, ठीक है। अब ए वाला डिजिट है, ये हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे माइनस की तरफ, 17/5 माइनस, ठीक है, 3/2, इस टाइप से आएगा माइनस में, तो इस साइड जाएगा, पहले
वन टू थ्री के बाद यहाँ आप जो फोर्थ वाला पार्ट है थ्री और फोर के बीच में उसके आप फाइव पार्ट्स करेंगे और उसमें से टू वन टू यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर टू, इनमें से हमको ग्रेटर डिजिट बताना है। देखिए फर्स्ट में ज़ीरो, आप जब नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ ज़ीरो होता है, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी ये बड़े होते साइड से और ये छोटे होते जाते ज़ीरो और ये और छोटे हो जाते हैं, यानी ज़ीरो नेगेटिव से बड़ा है। तो इसमें ज़ीरो है, इसमें भी देखिए ये माइनस 18/35 है, देखिए माइनस 18/-35 कैंसिल हो जाएगा तो 18/35 आएगा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो, ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये भी 4/7 इसमें बड़ा है, ये देखिए दोनों ही माइनस है। ठीक है, -5/13 और 8/-3। ठीक है, यानी ये दोनों ही नेगेटिव में है। अब आपको इसके माइनस साइन चेंज करने हैं तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3 वही -5/13, इनको आपको चेक करना है। देखिए इसका डिजिट 13 है और इसका 3, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 39, तो -5/13, इसको 39 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से, तो -15/39। देखिए इसका डिनोमिनेटर सब में हमको लाइक करना होगा, सेम करना होगा, तभी हम न्यूमरेटर से इसको पता लगा सकेंगे। तो इसका एलसीएम लेना होगा -8/3, इसको 39 करने के लिए इसको 13 से और इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 104/39 माइनस में, -15/39 और -104/39। देखिए ये दोनों डिजिट में आप जब नंबर लाइन में और डीप चलते जाते हैं, ये -1, ये -2, ये -3, इस टाइप से डिजिट बढ़ते जाते हैं लेकिन वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ा ये 39 सेम है लेकिन ये बड़ा है डिजिट लेकिन माइनस में है तो ये छोटा हो जाएगा, तो -15/39 ग्रेटर देन -104/39। और -15/39 को आपने बोला -5/13 ग्रेटर देन -8/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड द स्मॉलर, इसमें हमको स्मॉलर निकालना है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए क्योंकि हमें स्मॉलर निकालना है, इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करिए और माइनस का साइन इसके ऊपर पहुंचा दीजिए, -4/9, इधर 15 है इधर 9 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 15 और 9 को इस टाइप से फैक्टराइज करते हैं ना, 3 5 जा 3 3 जा, ठीक है 3 3 जा 9 5 45, इनका एलसीएम 45 हो जाएगा। तो यहाँ जब आप 45 लाना चाहेंगे तो 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 9, इसी तरीके से -4/9, इसको आपको 45 बनाना है, 9 5 जाती है, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20/45। देखिए डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर इसका बड़ा है लेकिन माइनस में है तो ये छोटा हो गया, तो -9/45 ग्रेटर देन -20/45, इसका डिजिट क्या है। देखिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई गलत किया, ये 18 आएगा, 6 3 जा 18, ठीक है इसको 18 करिए। अब आप देखिए तो 6/15 ग्रेटर देन 4/9, वो आपको छोटा बताना है तो ये वाला छोटा है, -4/9 स्मॉलर देन -4/9 स्मॉलर देन -6/15, ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला। चलिए इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए इसमें ये माइनस माइनस हटा देंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है ये माइनस में है ये भी प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस वाले डिजिट में ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा डिजिट माइनस है ये प्लस है तो ये ही छोटा होगा। ठीक है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन इक्वल और स्मॉलर। इन दोनों में आपको ग्रेटर देन स्मॉलर बताना है। माइनस थ्री अपॉन सेवन और फोर अपॉन माइनस सेवन, इसको ऐसे लिखिए माइनस थ्री अपॉन सेवन, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर अपॉन सेवन। अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर इसमें से किसका बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन ये माइनस में तो ये छोटा हो गया, तो बड़ा ये है, तो माइनस थ्री अपॉन सेवन ग्रेटर देन माइनस फोर अपॉन सेवन, ये साइन ग्रेटर, इस टाइप का साइन लगाने, ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग है इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटे से बड़े की ओर लिखना। चलिए हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं इस थ्री अपॉन माइनस फाइव को मल्टीप्लाई माइनस वन करके थ्री अपॉन फाइव माइनस इस टाइप से कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में पहुंच गया है। चलिए अब इसके बाद ये फाइव सेवन फोर्टीन और टेन का हम एलसीएम लेंगे। फाइव सेवन फोर्टीन और टेन, सबसे पहले टू से डिवाइड करिए सेवन और फाइव, अब इसको फाइव से डिवाइड करिए वन सेवन सेवन फाइव, और अब सेवन से डिवाइड करिए वन वन यहाँ बनाएगा वन, टू फाइव जै टेन और सेवन जा सेवेंटी, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हमको ये सारे डिजिट माइनस थ्री अपॉन फाइव इसको सेवेंटी डिनोमिनेटर में चेंज करना है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो फोर्टीन आ जाएगा, फोर्टीन फाइव जा सेवेंटी, तो यहाँ भी फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी टू, एक डिजिट ये हो गया। अगला देखिए फोर अपॉन सेवन, इसको सेवेंटी में कन्वर्ट करना है, फिर टेन आ रहा है, टेन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी अपॉन टेन, यहाँ माइनस है। ठीक है, इसमें देखिए माइनस थ्री अपॉन फोर्टी, इसको सेवेंटी में कन्वर्ट करना है तो फाइव से मल्टीप्लाई किया, इसको भी फाइव से मल्टीप्लाई किया, फिफ्टीन अपॉन सेवेंटी, और सेवन अपॉन टेन इसको हमको सेवेंटी के टर्म में चेंज करना है। ठीक है, इसको सेवन से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी सेवन से मल्टीप्लाई किया, इस टाइप से डिजिट बन गया है। देखिए इन सभी डिजिट को इस टाइप से लिख सकते हैं, फोर्टी टू अपॉन सेवेंटी, फोर्टी अपॉन सेवेंटी, ठीक है, और साथ में लिखेंगे आप ये वाला फिफ्टीन अपॉन सेवेंटी और ये वाला फोर्टी नाइन अपॉन सेवेंटी, इसमें माइनस का साइन है, देखिए। ठीक है, अब सारे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम अपर साइड में देखते हैं कौन सा बड़ा है, लेकिन पहले इन दोनों में देखना होगा क्योंकि ये माइनस साइन है यानी ये सबसे छोटे हैं। माइनस साइन में जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी माइनस फोर्टी टू अपॉन सेवेंटी छोटा है, लेस देन। ठीक है, इसके बाद आएगा माइनस फिफ्टीन अपॉन सेवेंटी। इसके बाद अब इन दोनों डिजिट में देखिए बड़ा कौन सा है, फोर्टी नाइन, तो ये बड़ा है तो फोर्टी अपॉन सेवेंटी, और फिर आ जाएगा फोर्टी नाइन अपॉन सेवेंटी। इस फोर्टी टू अपॉन सेवेंटी का डिजिट कौन सा था आपका, तो थ्री अपॉन माइनस फाइव लेस देन फिफ्टीन अपॉन सेवेंटी का डिजिट क्या था, थ्री अपॉन फोर्टीन, ठीक है ना, ए भी माइनस में है, लेस देन फोर्टी अपॉन सेवेंटी का रेशनल नंबर कौन सा है, फोर अपॉन सेवन, लेस देन लास्ट में सेवन अपॉन फोर्टी नाइन अपॉन सेवेंटी का जो रेशनल नंबर है वो फोर अपॉन सेवन है। इस टाइप से हमको ये असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे छोटे से बड़ा लिखना है। ठीक है, अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो और इसके क्वेश्चन होंगे उसी टाइप से आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको ये दिए हुए हैं वन के बाद टू, बी ए बी सी डी, तो बी सी डी आपको करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स,
इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी सबसे पहले बड़ा डिजिट या बड़ा रेशनल नंबर लिखना है, उसके बाद छोटा है। ठीक है, इस टाइप से आप करिएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।